फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल रजिस्टर में। आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों दिल्ली का पार्ट। दिल्ली का पार्ट हम लोग देखने का साथ का या समान का, जिसे इंग्लिश में होते हैं सिमिलैरिटी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मानसिक क्षमता, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। और साधिष्ठता ये एक टॉपिक है जिसको आप एग्जाम में दो डी रेलवे का उसके बिहार सचिव वाले सब एग्जाम में आपसे दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। इसके लास्ट वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा ताकि इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको डिटेल से आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आई देखो दोस्तों, समानता परीक्षण पर आधारित इसको तीन भागों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए। पहला होता है समानता आधारित जो सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो शब्द के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो होता है अक्षर सामान्यता, जो अक्षर जो होते हैं लेटर के आधार पर आपको एबीसीडी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है संख्या समानता आधारित, इसमें आपको डिजिट जैसे 2, 3, 4 प्रश्न इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों में से आपके कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। शब्द पर समानता के बारे में पहले सबसे पहले देखेंगे वो क्या होता है, उस पर आप लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल करके बताएंगे। फिर उसके बाद अक्षर समानता के बारे में बताएंगे, फिर संख्या समानता के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है शब्द समानता। आइए देखते हैं पहला पे शब्द समानता। शब्द समानता में क्या होता है, आपको जो दिया गया है क्वेश्चन किस प्रकार का दिया है, जैसे आपको दो शब्द दिया है, दोनों में आपको समानता देखने के बाद उसका अगला अपोजिट देखना आपको पूछ क्या है, उस दोनों शब्दों में आपको समानता देखना है। इसी तरह देखिए पहला क्या कर दिया क्वेश्चन या कोई इस तरह दिया रहेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या दिया, नदी और धारा, क्या दिया गया, नदी और धारा। दूसरा पूछ रहा है क्या है, महासागर। महासागर आपसे ऑप्शन है मुक्त संख्या से पूछ रहा है। प्रभाव तालाब बांध और समुद्र, आपको दोनों में देखना पड़ेगा क्या है, संबंध पहले खोजना पड़ेगा दोनों में। नदी जो है, नदी जो होता है धारा के साथ बहता है, आपसे पूछ रहा है महासागर किसके तरह होता है, प्रवाह की तरह होता है, तालाब की तरह होता है, बांध की तरह होता है, समुद्र की तरह होता है, इसके किस की तरह होता है, इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाह की तरह। महासमुद्र जो होता है वो प्रवाह की तरह होता है। इसी तरह आप एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा, पहला हम साथियों को बता देंगे, उस पर आपको एग्जाम्पल 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको हर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए उसका चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट होता है अक्षर समानता। अक्षर समानता जिसको लेटर सिमिलैरिटी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आपको इसमें जो होता है लेटर तो आपको सिमिलैरिटी देखना है, दो शब्द जो दिया जाता है ये दोनों में क्या समानता है, उसके अनुसार आपको नेक्स्ट रिवन देखना पड़ता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए पहले क्या दिया गया है, एच डब्ल्यू दिया गया है, यहाँ पर टी एक्स है, वहाँ पे एच एल दिया गया, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पर आपको इसके दोनों के बीच में संबंध हमको देखना है क्या संबंध है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर समझते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एस, ठीक है, यहाँ से कितना बना, यहाँ से देखिए एस से एक प्लस हुआ, क्या हुआ, एक प्लस हुआ। उसी बात डब्ल्यू से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी एक प्लस हुआ, क्या हुआ, एक प्लस हुआ, डब्ल्यू का क्या हो गया, एक्स हो जाएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी इसी तरह सिमिलैरिटी करेंगे, ठीक है, एच है एल है, एच के एच में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, एल में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए एच के बाद करेंगे आई आएगा, एल में एक जोड़ेंगे क्या, एल के बाद एम होगा, हमारा किस ऑप्शन में आई एम है, देख लीजिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आई एम। इसी तरह आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया लेटर, लेटर सीरीज जिसको बोल सकते हैं, लेटर समानता, ये हो गया क्या हुआ, लेटर समानता। उसके बाद आता है संख्या समानता, उसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे संख्या समानता क्या है। संख्या समानता इसमें आपको डिजिट पर जो डिजिट दिया जाएगा उसका आपको देखना है क्या संबंध है, उसके आधारित आपको नेक्स्ट क्या आंसर देना। देखिए क्या उदाहरण दिया गया, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुन लें, यहाँ पे क्या रहेगा, 16 है 34 है, दोनों में संबंध देखना है क्या संबंध है, ताकि उस पर आप दोनों में संबंध निकाल सकिएगा। वैसे आप पूछ रहे हैं यहाँ पे 11 देगा आपको, यहाँ पे आंसर पूछ रहा था 16 है यहाँ पे, 34 यहाँ पे कैसे है, आपको दीवान लगाना पड़ेगा ताकि आपको ताकि उस पर आप नेक्स्ट का आंसर दे सकिएगा। यहाँ पे 16 है, देखिए 16 है तो यहाँ पे 34 कैसे आया, 16 × 32 जैसे करेंगे यहाँ पे 2 करेंगे, क्या करेंगे, 16 × 32 हुआ, 2 हो गया 34 हो गया। उसी प्रकार को निष्ठ का निकालना है, अब इसका निकालना है 11 × 2 करेंगे, 11 × 2 कितना हो गया, 11 × 22 हो गया, 2 कितना हो गया, 24 हमारे किस ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आपको एग्जाम में इसी तीन टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे तीनों में से 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे,
क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार सचिव वाले में, बिहार डीएलएड में, आपको रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, सब में क्वेश्चन जो पूछा गया वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, उसमें आपको अच्छे से क्लास के अंत तक बने रहेगा। इसलिए आपको चलिए वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा।